back. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा का नावाल्नी की मौत पर रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना था कि पाबंदियाँ इंसानी हकूक की मुसलसल और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों के रद्द अमल में हैं। सीनियर हुकाम और रूसी अदलिया के आला ओहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। फलस्तीनी हामी मुजाहरीन का एहतजाज, ट्रूडो अतालवी वजीर आजम का इस्तकबालिया मनसूख। मुजाहरीन ने पिंडाल के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। मुजाहरीन ने नारे लगाए कि ट्रूडो नस्ल कशी की माली इमदाद कर रहे हैं। ओंटेरियो के मजीद शहरी बिजली के बिलों रिबेट हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत का कहना है कि ओंटेरियो इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आमदनी की अहलियत की हद में इजाफा किया जाएगा। हमारी हुकूमत लागत को कम करने के लिए मजीद तरीके तलाश करती रहेगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। जस्ट वन स्ट्रिप फॉर अ लोड। सिंपल एंड स्क्वीकी क्लीन। प्लास्टिक फ्री बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास। गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा ने रूस के अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावाल्नी की जेल में मौत पर रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा ने रूस के अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावाल्नी की जेल में मौत पर रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कैनेडियन वजीर खारजा के मुताबिक ये पाबंदियां गुज़िश्ता माह रूसी अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावाल्नी की हलाकत और रूस की जानिब से इंसानी हकूक की मुसलसल और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों के रद्द अमल में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वजीर खारजा मेलानिया जूली ने एक बयान में कहा कि ऐलान करदा पाबंदियों की जद में सीनियर हुकाम और रूसी अदलिया के आला अहदेदार, इंसाफ की खिदमत अंजाम देने वाले इदारे समेत रूस के 6 अहदेदार शामिल हैं। मेलानी जूली का कहना था कि ये इकदाम 6 रूसी आला हुकाम और उसके इस्तगासा अदालती और इस्लाही खिदमत के आला दर्जे के मुलाजमीन पर आयद किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि वो नावाल्नी के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, उसकी जालिमाना सजा और बिलाखिर उसकी मौत में मुलविस थे। अलेक्सी नावाल्नी ने व्लादिमीर प्यूतन पर मुतअद्दिद बार करप्शन के इल्जामात लगाए और कड़ी तनकीद की थी, जिस पर उन्हें 2021 में जर्मनी से वापस फिर गिरफ्तार किया गया था और 19 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। गुज़िश्ता बरस के आखिर में उन्हें शुमाली साइबेरिया के इलाके की आर्कटिक जेल की कॉलोनी में मुंतकिल किया गया था। रूस के 47 साल अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावाल्नी आर्कटिक जेल कॉलोनी में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे, जहां उनकी अचानक मौत वाकिया हुई थी और इब्तदाई तौर पर वजूहात का तायुन ना हो सका, ताहम तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। ख्याल रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर प्यूतन के सख्त नाकिद अलेक्सी नावाल्नी गुज़िश्ता माह जेल में पुरअसरार तौर पर इंतकाल कर गए थे। फलस्तीनी हामी मुजाहरीन की जानिब से दाखिली रास्ते बंद करने के बाद ट्रूडो अतालवी वजीर आजम का इस्तकबालिया मनसूख कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फलस्तीनी हामी मुजाहरीन की जानिब से दाखिली रास्ते बंद करने के बाद ट्रूडो अतालवी वजीर आजम का इस्तकबालिया मनसूख कर दिया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनके अतालवी हम मनसब के दरमियान मुलाकात के दिन के अख्तिताम पर एक इस्तकबालिया हफ्ते के रोज़ अचानक मनसूख कर दिया गया,
जब मुजाहरीन ने पंजाल के दाखिली रास्ते बंद कर दिए और अहम शख्सियात बशमूल मौजिस मेहमानों को अंदर जाने से रोक दिया। ट्रूडो के दफ्तर ने इस बात की तस्दीक की कि ना तो वो और ना ही अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ऑनटेरियो की आर्ट गैलरी में दाखिल हो सके थे, जो मुख्तसर तौर पर लॉकडाउन में चला गया क्योंकि मुजाहरीन फलस्तीनियों के हक में नारे लगाते हुए उस इलाके को भर गए जहाँ आने वाले मेहमान दाखिले के मुंतजर थे। मनसूख शुदा इस्तकबालिया के मकाम पर बाहर मुजाहरीन ने नारे लगाए कि ट्रूडो नस्ल कुशी की माली इमदाद कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत के इसराइल हमास जंग से निमटने पर तनकीद की। आने वाले शुरका का मुजाहरीन ने सामना किया, उनके दाखिले के रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ को बाद में पुलिस ने इमारत के दाखिली दरवाजे तक ले जाया। दूसरी जानिब दोनों वज़रा आज़म ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि उनका ये मुआहदा उनके ममालिक के सियासी इक्तिसादी और तस्वीराती तालुकात को मजीद गहरा करेगा और तरजीही शोबों में अगले 3 से 5 सालों में तआवुन के मंसूबे तरतीब देगा। इनमें तवानाई की हिफाजत और पायदार तवानाई के मुस्तकबिल की तरफ तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली और हयातियाती तनु, हिजरत, पायदार इक्तिसादी तरक्की और तहकीक और इख्तिरा बशमूल मस्नूई जहानत शामिल है। G7 के दो अरकान इस जून में इटली में होने वाली मीटिंग में रोड मैप की तरक्की पर पेशरफ्त का जायजा लेने का इरादा रखते हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और इटली बहुत सी चीज़ों पर मुंसलिक हैं और बहुत से गहरे और बढ़ते हुए मौशी तालुकात हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के मजीद रिहायशी अब बिजली के इमदादी प्रोग्राम के अहल हैं, जो उन्हें अपने बिलों पर महाना क्रेडिट वसूल करते देख सकते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के मजीद रिहायशी अब बिजली के इमदादी प्रोग्राम के अहल हैं, जो उन्हें अपने बिलों पर महाना क्रेडिट वसूल करते देख सकते हैं। सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया कि वो अक्टूबर 2023 में ऑनटेरियो इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आमदनी की अहलियत की हद में इजाफा करेगी। तब्दीलियां 1 मार्च से लागू होंगी। वजारत तवानाई का कहना है कि पूरे बोर्ड में आमदनी की हद में 35% तक इजाफा हुआ है। टैक्स कटौतियों के बाद $71,000 की मुश्तरका आमदनी वाले 5 अफराद या इससे ज्यादा के घराने अब प्रोग्राम के लिए अहल हैं। जुमे से पहले ये हद $52,000 थी। आमदनी की हदों की मुकम्मल खराबी बशमूल उन लोगों की तादाद जिन्हें घर के अंदर रहने की जरूरत है हुकूमत की वेबसाइट पर मिल सकती है। बच्चों, कम्युनिटी और सामाजिक खिदमत के वजीर माइकल पार्सा ने एक बयान में कहा, सूबे के इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट प्रोग्राम में ये सरमायाकारी जाहिर करती है कि हमारी हुकूमत ऑनटेरियो के लोगों के लिए जिंदगी को मजीद सस्ता बनाने के लिए कितनी संजीदा है। हमारी हुकूमत लागत को कम करने के लिए मजीद तरीके तलाश करती रहेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे सूबे में कोई भी पीछे ना रह जाए। ऑनटेरियो इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट प्रोग्राम कम आमदनी वाले घरों को उनके बिजली के बिल पर महाना छूट फराहम करता है। रकम का इन्हिसार मुतादित अवामिल बशमूल मुश्तरका घरेलू आमदनी और घर में रहने वाले अफराद की तादाद पर होगा। उनमें से ज्यादातर अहल अफराद को महाना $35 से $75 तक के क्रेडिट मिलेंगे। हालांकि हुकूमत का कहना है कि ज्यादा छूट उन सार्फीन के लिए दस्तियाब है जो मकामी हैं, मुकामी खानदान के अफराद के साथ रहते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं या बिजली से चलने वाले बास तिबी आलात इस्तेमाल करते हैं। ऑनटेरियो इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट प्रोग्राम के मौजूदा रिहायशी ज्यादा क्रेडिट रकूम के अहल हो सकते हैं और उन्हें ये जानने के लिए कस्टमर सर्विस सेंटर से रब्ता करना चाहिए कि आया उन्हें दोबारा दरख्वास्त देनी चाहिए। 2022 में हुक्काम का कहना है कि घराने OESP के लिए अहल 212,000 थे। उम्मीद है कि ऑनटेरियो के मजीद घराने नई हद के साथ 1,00,000 अहल हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।